एक जानवर की आंखों में भाषा बोलने की एक महान शक्ति होती है। अगर एक आत्मा का मतलब है कि प्रेम और वफादारी और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवरों मनुष्य से ज्यादा बेहतर है। पशु कोई चीज नहीं है, बल्कि जीवित जीव है जो हमारी करुणा, सम्मान, दोस्ती और समर्थन के योग्य है। पशुओं में बंदर एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है। ये एक चौपाया जानवर है जिसके चार पैर, दो आंखें, दो कान और एक लंबी पूंछ होती है। बंदर बहुत ही फुर्तीले होते हैं। ये पेड़ पर एक डाली से दूसरे डाली पर बहुत ही आसानी से छलांग लगा लेते हैं। बंदर के कुल 32 दांत होते हैं। बंदर को खाने में केला अधिक पसंद है। पूरे विश्व में बंदरों की 260 जीवित प्रजातियां हैं। बंदरों और मनुष्यों का 98% डीएनए आपस में मिलता है। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला बंदर, जिसका नाम अल्बर्ट 2 था, हर साल 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। सबको है प्यारी अपनी जान, फिर चाहे पशु हो या इंसान। भोजन प्रणाली में है इनका महत्वपूर्ण योगदान। मत बन मूर्ख और ना ले उनकी जान। पशु है समाज का एक हिस्सा, अगर मारोगे इन्हें तो बनकर रह जाओगे सिर्फ किस्सा। जो इंसान ले किसी जीवों की जान, वो इंसान नहीं है, वो है हैवान। पशुओं को बचाएंगे, धरती पर जीवन की संतुलन बनाएंगे। पशुओं को मारेंगे तो बहुत पछताएंगे, आने वाले समय में उन्हें तस्वीरों में ही देख पाएंगे। मत काटो जंगलों को, इन्हें रहने का स्थान दो। इनमें चलती सांसें हैं, इन्हें भी सम्मान दो। जानवरों पर अत्याचार करो बंद, इनके शिकार पर ही लगाओ प्रतिबंध। जानवरों पर अत्याचार करो बंद, इनके शिकार पर भी लगाओ प्रतिबंध। जानवर है देश की शान, हमें होना चाहिए उन पर मान। घायल पशुओं की करो सेवा, मत बनो इनके लिए जानलेवा। जानवर हम मनुष्य की तरह ही जीवित जीव है, जो कि बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी को समझने की शक्ति काफी बेहतर होती है। वो एक इंसान के अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। एक जानवर से मनुष्य को उसकी वफादारी और प्रेम करने की गुण को सीखने की आवश्यकता है। अर्थात जानवर हमारी करुणा और सम्मान के योग्य है। इसलिए हम सभी को जानवरों के प्रति नरम होना चाहिए और उनके जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। वही जानवरों को भी हम इंसानों की तरह पीड़ा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। सभी से मेरा आग्रह है कि इस संदेश भरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों के पास इस संदेश को पहुँचाएं। धन्यवाद।